गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एमपीडिया, द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. आई एम अंबिकेश पांडे. सो टिल यस्टरडे वी हैव डिस्कस आर्टिकल 21. वी वर डिस्कसिंग वेरियस फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सी दीज फंडामेंटल राइट्स, इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, इसके बेसिक एसेंस है, वो हम लोगों ने देख लिया था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज दे प्रोवाइड फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल. ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं. बी इट मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो एवरीथिंग एंड एवरी टेकिंग कैटरिंग एवरी पर्सपेक्टिव. तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दैट्स वाई दीज फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल इन द नेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स. ओके, सो टिल यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 21 एंड 21A. 21A टॉक्स अबाउट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. ओके, जिसका प्रावधान राइट टू एजुकेशन 2006 में जब आया था वो इसी आर्टिकल से डिराइव किया गया था. एक मुहिम चली थी, एक अगर मान लीजिए कैंपेन चला था, सर्व शिक्षा अभियान. सो सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े. सो दैट इज नथिंग बट राइट टू एजुकेशन. ओके, विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स बिटवीन 6 to 14 एज ग्रुप. ओके, सो ये याद रखना कि किस अमेंडमेंट एक्ट से आया गया है. दैट वाज आंसर विल बी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कब आया था? 2002 में. सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002. किस आर्टिकल में ऐड किया गया है? सो आर्टिकल नंबर इज 21A. एंड 21A किस ब्रैकेट में, किस फंडामेंटल के ब्रैकेट में आता है? दैट कम्स इन राइट टू फ्रीडम. ठीक है, अब एक ये राइट टू एजुकेशन है तो एक ये अभी जैसे करंट में न्यूज है कि केरला हाई कोर्ट ने ये वर्डिंग दिया था कि राइट टू एजुकेशन वाया इंटरनेट. ठीक है, कि आज की डेट में क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो हम लोग ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन परस्यू करते हैं. ठीक है, ऑनलाइन परस्यू इन द सेंस बाई यूजिंग इंटरनेट. सो केरला गवर्नमेंट हैज़ गिवन द वर्डिंग दैट राइट टू एजुकेशन with the use of internet, right to education with the use of internet is your fundamental right and is incorporated in the article 21A or 21. So right to education using internet is your fundamental right. ठीक, किस article में? 21 के तहत में. So ये एक नया current का news है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो अभी current happenings रहता है उसके अंदर का ये news है. ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 22. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 21A. सो नाउ व्हाट इज आर्टिकल 22? सी, द आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू एनी पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड बाय द पुलिस अथॉरिटी और बाय द गवर्नमेंट. ठीक, क्या बात करता है? व्हाट आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट? इट टॉक्स अबाउट, इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू दोज पीपल और टू दोज इंडिविजुअल्स हु हैव बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड. ओके, दोज पर्सन हु हैव बीन प्रोटेक्शन टू दोज पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड. ठीक, अब देखिए, डिटेंशन भी दो प्रकार के होते हैं. एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, सेकेंड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. देखिए, हम समझते हैं कि प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन में अंतर क्या है. व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंट, व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन? सो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका पास्ट रिकॉर्ड है कि ही हैज बीन इंडल्ज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज. ठीक है, तो उसको शक की नज़र में अगर मान लीजिए कि सोसाइटी में कोई कियोस्क होने वाला है, ठीक है, तो वो उस पर्सन को शक की निगाहों में रखा जाएगा, शक की निगाहों से देखा जाता है कि हो सकता है कि ये सोसाइटी में अनलॉफुल एक्टिविटीज करेगा. तो उस पर्सन को पहले से ही डिटेन किया कर लिया जाता है पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, कि क्रिमिनल क्राइम अटेंड करने से पहले ही उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है. तो
उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब किसी भी पर्सन ने क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दिया है उससे पहले ही उसको डिटेन कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो शक के दायरे में था कि ये आगे चल के कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे सकता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। बट वॉट इज प्यूनिटिव डिटेंशन? सी द प्यूनिटिव डिटेंशन मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने, किसी इंडिविजुअल ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया है, देन उसके बाद जो ट्रायल होती है, कोर्ट में सेशंस चलते हैं, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको सजा सुना देता है, कन्विक्ट हो जाता है, एक्यूज्ड होता है, तब उसको डिटेंशन किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव। देखिए, प्रिवेंटिव से नाम से ही पता चल रहा है, प्रिवेंटिव मतलब पहले, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति ने क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दिया है उससे पहले ही उसको डिटेन कर लेना। और प्यूनिटिव मतलब कि किसी व्यक्ति ने क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया है और ही हैज बीन एक्यूज्ड, उसके ऊपर ट्रायल हुआ है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको एक्यूज दोषी ठहरा दिया गया है, उसको बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन यही चीज लिखा है, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट। अभी मैंने बताया कि जो जिसको शक के दायरे में रख के उसको डिटेन कर लिया जाता है विदाउट ट्रायल। ओके, बट प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है? पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। जस्ट अभी पूरा डिटेल में बताया, ठीक। अब ये क्या है आर्टिकल 22? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है, अगर कोई पर्सन, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, सो विद इन 24 आवर्स, जो अगर मान लीजिए जैसे फ्राइडे को है, फ्राइडे को किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, तो विद इन 24 आवर, इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग टाइम, ठीक है, विद इन 24 आवर वो पुलिस जो अथॉरिटी होती है उस पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। ये जो है राइट आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है। क्या बोल रहा है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। मतलब क्या, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस जो अथॉरिटी आएगी वो बोलेगी कि आपको इस ग्राउंड के बेसिस पे हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आर्बिट्री पावर आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती है कि मन चाहे जो ये किसी भी तरह से आपको अरेस्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। आपको बताया जाएगा कि हाँ, इस मामले में इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जाता है। सो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। मान लीजिए अगर नहीं भी करती है तो अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं कि भाई आप किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, व्हाट रॉन्ग आई हैव डन। सो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। कंसल्ट, आप कंसल्ट करने की जो अधिकार है वो दिया जाता है। डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स, कि आपको जो एडवोकेट हैं या फिर लॉयर हैं वो आपको दिए जाएंगे। प्रोड्यूस्ड बिफोर, और क्या बात करता है, प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन ए 24 आवर्स, ठीक है। सो ये जितनी भी है लीगल कानूनी कार्रवाई होती है, ये सारा जो आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है, ठीक है। These are not available to an enemy, alien or a person. Now, Article 22 का जो sub clause है, it talks about the protection to the person who are arrested or detained under a preventive detention. So, Article 21 sub clause 1 क्या था? Punitive detention के लिए. Now, Article 22 sub clause 2 is provide the protection to those person who have been detained under punitive detention. ठीक, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन पीपल। अब एलियन पीपल का मतलब यहाँ से ये होता है कि जिसके साथ हमारी कंट्री का एनिमी रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के किसी भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाएगा तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एनिमी, ठीक, एलियन सिटी पर्सन। अब यहाँ पे एनिमी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एनिमी एक नेगेटिव कैनोटेटेड वर्ड है, इसलिए हम लोग एलियन यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड द 3 मंथ, ठीक। अगर उस पर्सन को आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया है तो उस पर्सन का डिटेंशन, ठीक है, उस पर्सन को डिटेन आप 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। सो दिस ऑल एवरीथिंग टॉक्स अबाउट इज मेंशनड इन द आर्टिकल 22। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल 22 में 3 चीजें याद रखिए, किसके लिए दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है, टू दोज पर्सन हु हैज बीन लीगली डिटेन्ड और जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। दो प्रकार के डिटेंशन की बात करता है, प्रिवेंटिव एज वेल एज प्यूनिटिव। दोनों का डिफरेंस मैंने समझा दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल। सो नेक्स्ट आर्टिकल
इज आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट जितने भी जो लोग होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, उनको राइट प्रोवाइड कराया जाता है फ्रॉम प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब यहाँ पे ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है, पहले ये समझिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन। अब ह्यूमन एक प्रकार की स्पीसीज है, ठीक है, आप उसको एक ऑब्जेक्टिव की तरह है ट्रीट करके उसका खरीद फिरोख कर रहे हैं, बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं। सो इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, इंसानियत के अगेंस्ट है। तो वही चीज को, उसी चीज को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। ओके, सो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट द ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। देखिए, पांच आर्टिकल जो है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पांच आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट, दे हैव बीन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन। कौन कौन से है, आर्टिकल 14, 15, 19, 29 एंड 30, सॉरी 15, 16, 19, 29, 30, दीज आर दी फाइव फंडामेंटल राइट्स विच हैज बीन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन। ठीक, 15, 16, 19, 29, 30, दीज आर फाइव फंडामेंटल राइट्स, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, इस आर्टिकल में अगर ये कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें पूछ लेगा कि एज आर्टिकल 23 में मेंशन है कि नहीं है। सो द एज इज नॉट मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 23। द एक्सप्रेशन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, इसको मैंने बता दिया कि द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स, गुड्स मतलब ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करना, ठीक है, उसको कमोडिफाई करना, किसी भी पर्सन को कमोडिटी की तरह ट्रीट करना कि उसकी खरीद फिरोख कर रहे हैं, सो दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड। मान लीजिए बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि बच्चों को मतलब एक जब वो छोटा बच्चा होता है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं या फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, बच्चों को खरीद के लेके जाते हैं और उसको गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज करा देते हैं। ठीक, लाइक जो गर्ल्स होती हैं उनको ये जो प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज में, देवदासीज में, स्लेवरी में, ये सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज करा देते हैं। सो दिस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड प्रोहिबिट्स दिस पीपल फ्रॉम डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी। ठीक, नाउ आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट, देखिए, जो बच्चे होते हैं बिलो 14 उनको रोकता है फ्रॉम डूइंग वर्क इन हजार्डस एरियाज, इन हजार्डस सेक्टर। ठीक, अब हजार्डस मतलब कि जो जितने भी लाइक माइंस हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर किसी भी कंपनी में जहां पे हैवी इंडस्ट्रीज का यूज हो रहा है, हैवी मशीन्स का यूज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड हजार्डस एक्टिविटीज। सो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, माइंस और हजार्डस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन और एनी रेलवे। देखिए, आर्टिकल 23 में एज का ब्रैकेट नहीं था, आर्टिकल 23 में एज का ब्रैकेट नहीं था, वहां पे जो प्रोहिबिशन था फ्रॉम द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ वो बात किया था, आज एज मेंशन नहीं था, बट आर्टिकल 24 में एज हैज बीन मेंशनड। ठीक है, कि 14 साल से कम के बच्चों को हजार्डस एक्टिविटीज हैं उनमें जो कोई भी लेबर फोर्स या फिर ये काम नहीं करवाने के लिए रोकता है। ओके, इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। ठीक, मतलब क्या होता है कि जितना देखिए, एक हजार्डस एक्टिविटीज होता है, हजार्डस वर्कप्लेस होता है, एंड अदर इज नॉन हजार्डस और हार्मलेस। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई बच्चा अपने खुद के फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहा है, या फिर खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर घर का कोई सेल्फ बिजनेस है उसमें काम बटा रहा है, हाथ बटा रहा है, माँ बाप का अपने हाथ बटा रहा है, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज ए हजार्डस। ठीक है, वो स्कूल आवर्स के बाद। ठीक, सो द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन NCPCR, अगर अभी आपने ये एक कमीशन होती है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके जो अभी चेयरमैन है वो कौन है, प्रियंका कनुंगो, ठीक है, जो कि विदिशा से बिलोंग करती हैं। ठीक,
तो कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो कि 2005 में आया था और उसी से ये NCPCR डिराइव्ड है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। और यही जो एक बॉडी है वो लुक आफ्टर करती है ये सारे बच्चों को कि जो दोस्ट स्टूडेंट या फिर दोस्त चिल्ड्रन हु आर बीइंग इंडल्ज इन दिस लेबर फोर्स वर्क हजार्डस वर्क में, ठीक है, इनको रोकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 24। याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 24 क्या बात करता है, इट्स प्रोहिबिट्स द चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग हजार्डस वर्क, जो लेबर वर्क होता है, जो बंधुआ जो बच्चे हैं मजदूरी करते हैं 14 एज ग्रुप से पहले, उनको रोकता है, ठीक। सी नाउ आर्टिकल 25, अब यहां से आर्टिकल 25 से बात हो जाती है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आपको अपने धर्म का जो धर्म के बारे में उसको आजादी है कि आप कौन सा धर्म चूज करते हैं, आप अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे को बता सकते हैं अपने धर्म के बारे में। सो इट टॉक्स अबाउट रिलीजन कि आपको आजादी दी है, आपको राइट्स अधिकार दिया गया है कि आप अपने रिलीजन के बारे में बताएं, ठीक, प्रोपोगेट करें। सो आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसमें क्या है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंशाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। अब इनका मतलब क्या है कि राइट टू फ्रीली प्रोफेस मतलब अपने जो धर्म है उसको फ्रीली आप दूसरों तक बता सकते हैं, ठीक है, इक्वली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने धर्म को लेके दूसरों को इम्पोज करें, ठीक है, फोर्सफुली इम्पोज करें कराएं दूसरे व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, ये अधिकार ये आर्टिकल नहीं देता, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्शन पब्लिक, यहाँ पे ये है, देखिए, राइट टू प्रोपेगेट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट अनदर रिलीजन पर्सन, ठीक है, कि राइट टू प्रोपेगेट मतलब आप अपने धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्सफुली किसी दूसरे पर्सन को अपने धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है, यह अधिकार आपको नहीं दिया गया है। राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। नाउ आर्टिकल 25 कवर्स रिलीजियस बिलीफ हो गया, रिलीजियस प्रैक्टिस हो गया, रिचुअल्स हो गया। देखिए जितने मतलब अगर हम लोग सिख जो कम्युनिटी होती है उनको अपना ये कृपाण लेने के लिए और कड़ा बांधने के लिए आज़ादी दी जाती है, ठीक है, जो उनकी पगड़ी है वो पहनने की आज़ादी दी जाती है। सो दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस आर्टिकल ओनली, आर्टिकल 25, ओके। एक्सेप्शन कहाँ है, अगर मान लीजिए उसके कारण रिलीजन तुम्हारे अगर जब अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर रहे हो उसके कारण क्या है कि पब्लिक ऑर्डर हार्म हो रहा है, मोरालिटी हार्म हो रही है, डिसेंसी हार्म हो रही है, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मतलब उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तब वहाँ पे आपके जो अधिकार है ये वाला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही बताया था दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, उनको दे कम विद सर्टेन लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। नाउ आर्टिकल 26, व्हाट आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट, ठीक है, कि आर्टिकल 26 सेज दैट एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन हैव द फॉलोइंग राइट। देखिए मैं यहां पे अभी बता रहा हूं कि आर्टिकल 25 एंड 26 में अंतर क्या है। देखिए आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के लिए दिया गया है, जैसे एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, वो अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है दूसरों को, ठीक है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव उस धर्म के बारे में बता सकता है, ठीक, वो इंडिविजुअल को लिए दिया गया है आर्टिकल 25, ध्यान रखिएगा। बट जो आर्टिकल 26 है वो एज सच उस रिलीजन के ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म है, हिंदू महासभा है, तो हिंदू महासभा एक बॉडी है जो हिंदू बेस्ड जिसकी डॉक्ट्रिन जो है जो डॉक्ट्रिन है वो हिंदू फिलोसफी है, ठीक है, तो उस हिंदू महासभा को एज ए ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, ठीक है, जैसे वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम लीग है, तो उस मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया गया है। तो आर्टिकल 26 इज गिवन टू दोस कम्युनिटी
कम्युनिटी को दिया गया, बट आर्टिकल 25 जो है ये इंडिविजुअल को दिया गया है। यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कि आर्टिकल 25 इंडिविजुअल को है और आर्टिकल 26 क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन को है, ठीक है। अब इसमें क्या है, राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन सिचुएशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर, ठीक। कोई ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, कोई रिलीजियस सोसाइटी बेस्ड ट्रस्ट डेवलप है, तो आर्टिकल 26 ये सभी इन सभी के बारे में बात करता है। सो याद रखिएगा 25 एंड 26 दोनों ही राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, बट आर्टिकल 25 इज प्रोवाइडेड ओनली टू द इंडिविजुअल एंड 26 टू एज सच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 27। देखिए, अब आपको तो ये आजादी दे दी गई कि आप अपने जो रिलीजन है उसको आप इजीली दूसरे के समक्ष बता सकते हैं, दूसरा प्रोपोगेट कर सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं दूसरे के प्रति। बट जो 27 है, ठीक है, वो ये भी बात करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लिमिट करता है गवर्नमेंट को कि आप अगर ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को ड्यूटी देंगे, आप टैक्स देंगे, कोई हर्जाना गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है, ये इस काम से रोकता है। तो ये क्या बात करता है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, कि आप गवर्नमेंट को एज अ ड्यूटी नहीं देंगे कुछ भी फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो इसका आप गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, ये इससे रोकता है, ठीक है, इस चीज से रोकता है। सो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है, कि इस काम के लिए रोकता है। नो, कि किसी भी पर्सन को कंपेल, कोई भी अथॉरिटी कंपेल नहीं करेगी कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हो इसलिए हमें टैक्स दो, ठीक है। दिस हैज बीन प्रोहिबिटेड, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन। इसी से निकल के आता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द सेक्युलरिज्म, ठीक है, सेक्युलरिज्म। इसका मतलब क्या है कि स्टेट विल नॉट सपोर्ट और स्टेट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। नाउ आर्टिकल 28, इट प्रोवाइड्स दैट फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, दैट इज नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शुड बी डिसिमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन एनीवन। मतलब जैसे कोई जो धार्मिक मदर्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल मुस्लिम में अगर हम लोग देखें तो जो मदरसे होते हैं, ठीक है, तो वो हो गया, वो अपने रिलीजन को किसी भी व्यक्ति के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक, इन एजुकेशन फील्ड में। जैसे आर्य समाज हो गया, आर्य समाज का एक अलग से स्कूल हो, तो अपने जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है उस व्यक्ति के या फिर उस पर्सन या फिर उस स्टूडेंट के ऊपर फोर्सफुली इम्पोज नहीं करेंगे। सो दिस टॉक्स अबाउट अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, दैट इज नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शुड डिसिमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू एनी वन, ठीक, नो इंस्टीट्यूशन शुड होली मेंटेन। अब ये प्रकार के मतलब अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सरकार के द्वारा होली फंडेड होते हैं, सरकार के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, सो अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि क्या क्या आर्टिकल 28 और 27 का इंपॉर्टेंस है और क्या इसका एसेंस है। ओके, नाउ आर्टिकल नंबर 29। सी आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटीज है उनके लिए, आर्टिकल 29 एंड 30 जो है माइनॉरिटीज के लिए दिया गया, और ये केवल 29 और 30 केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए। याद रखिए मैंने 5 आर्टिकल बताया था ना, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, दे आर एक्सप्लिसिटली फॉर द इंडियन मतलब कि सिटीजन्स के लिए, ठीक। एक चीज, एक दिन हम लोगों ने बताया था प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड द पीपल। ओके, सो आर्टिकल 29 सेज दैट एनी सेक्शन, या ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एनी सेक्शन of the citizen residing in any part of the India having distinct language, अपनी खुद की अलग language हो, भाषा है,
ठीक है, स्क्रिप्ट कल्चर है उसका और खुद का, शेल हैव राइट टू कंजर्व। अब ये खुद की भाषा या फिर खुद के कल्चर, खुद के डॉक्ट्रिन, खुद के ट्रेडिशन किसके होते हैं? माइनॉरिटीज के होते हैं ना, ट्राइब्स के होते हैं ना, अगर हम लोग स्पेशली बात करें। सो उनको ये सारा अधिकार दिया गया है कि आप अपने जो कल्चर हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, इस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ओके, ये बात क्या है? आगे क्या है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटेनिंग द स्टेट और रिसीविंग आउट ऑफ द स्टेट। ठीक है, कि कोई भी अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको मतलब वो फोर्स नहीं करेगा किसी भी पर्सन को कि आप एजुकेशनल स्टेटस दें। ठीक, आर्टिकल 29 और 30 में क्या अंतर है? राइट टू माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए, यहां पे एनी सेक्शन की बात की गई है। ठीक है, ये मतलब कि इट इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज नॉन माइनॉरिटीज, ट्राइब्स एज वेल एज नॉन ट्राइब्स। बट आर्टिकल 30 क्या है कि स्पेशल एक्सप्लिसिटली बात करता है किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। ठीक, उनके जो कल्चर है, उनके जो ट्रेडिशंस है, उनके जो कस्टम्स हैं, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बात करता है। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक, आर्टिकल 29 नोट यहां पे मैंने दिया है कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फर्ड ओनली टू माइनॉरिटीज। ठीक है, केवल और केवल माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 30 में। बट आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29 इट टॉक्स अबाउट एनी सेक्शन, बी इट माइनॉरिटीज, बी इट एनी अदर। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 29 एंड 30, प्लीज कीप इन माइंड। सो आर्टिकल देखिए 30 तक हम लोगों ने डिस्कस किया, 31 एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी के से रिलेटेड हुआ था, जिस आर्टिकल 19 में भी था और 31 में भी था। अब राइट टू प्रॉपर्टी को जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे फंडामेंटल राइट को हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया है, लीगल राइट दे दिया गया है, जिसको किस आर्टिकल में मैंशन किया गया है? आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए नॉट ए नो मोर ए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये चीज बात करते हैं कि जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी हो गया, लैंड रिफॉर्म सिस्टम है, ये सभी चीज है जो आर्टिकल 31 के तहत डिस्कस की जाती हैं। और इसी के तहत जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल हम लोगों ने जिस दिन शेड्यूल से एक दिन देखे थे पूरे, उसमें बात किया गया था एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक, लैंड रिफॉर्म सिस्टम, ठीक, ये सभी चीज उस 9th शेड्यूल के अंदर डिस्कस किया गया। और किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था ये 9th शेड्यूल, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो हुआ था, पंडित नेहरू जी लेके आए थे। ठीक है, सो आर्टिकल 31 ये बात करता है। नाउ आर्टिकल 32 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको, इस आर्टिकल को मतलब ये बोला गया ना कि आप एक मकान बना रहे हैं तो भले चाहे कितनी भी बिल्डिंग्स ऊपर में स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें, बट आप जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो कोई कितना भी मल्टी स्टोरी बना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिमोलिश होना ही है। सो आर्टिकल 32 इज लाइक दैट कि ये आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक है, फंडामेंटल का भी फंडामेंटल है। बिकॉज बी आर अम्बेडकर के शब्द में अगर मैं बोलूं, द फ्रेमर और द फादर ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 32 क्या है? इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है विच फंडामेंटल राइट इज रिगार्डेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसने बोला था ये भी याद रखना, क्योंकि चार ऑप्शन दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर और एक और, तो आपको याद रखना है कि किसने बोला था? द फादर ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हु वॉज दैट पर्सन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने क्या बोला था कि इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की आर्टिकल 32 इज एच ई हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लिसिटली वन डे एग्जाम्स में या फिर एमपीपीएससी के एग्जाम्स में, किसी भी पीसीएस एग्जाम्स में और या फिर व्यापम एसएससी ओएससी में डायरेक्टली पूछ लेता है विच आर्टिकल इज रिगार्डेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्यों दिया गया है,
देखिए आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अब ये रेमेडीज क्या है, ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द रेमेडीज, ठीक क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी भी अथॉरिटी ने आपके राइट्स अधिकारों को छीन लिया गया, आर्बिट्री जो है आपसे स्नैच कर लिया गया है, ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 32 आपको प्रावधान देता है कि किसी भी अथॉरिटी ने, ठीक है किसी भी अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी, किसी ने भी आपके जो राइट्स को जो है अब्रोगेट किया है, ठीक है, तो आप उस अथॉरिटी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक, ये आर्टिकल 32 बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रेव्ड सिटीजन। एग्रेव्ड सिटीजन मतलब कि जिसके फंडामेंटल राइट्स हनन हुए हैं, ठीक है, वो पर्सन उस अथॉरिटी के अगेंस्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, ठीक, कि स्टेट हैज एबॉलिश द फंडामेंटल राइट्स। द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट्स एज इट इज ए फंडामेंटल राइट। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था फंडामेंटल राइट्स कहां कहां से है, 12 से लेके 35 तक है। अब ये 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यही चीज बोल रहा है कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इट इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर, ये भी पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स अगर देखेंगे, सो पूछा गया कि हु इज रिगार्डेड एज द डिफेंडर एंड द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर एक और ऑप्शन देंगे, तो हु इज रिगार्डेड एज द गार्डियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाइएस्ट और द अपेक्स लेवल जो जुडिशरी है उस वो डिफेंडर है। इट इज कॉल्ड द डिफेंडर, डिफेंडर एंड गारंटर, ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, वो उसको गार्ड करती है, ठीक है। जब भी कोई भी अथॉरिटी आपके अधिकारों को छीनता है, ठीक, तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोर्ट आपको क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक। इसीलिए इस आर्टिकल को वेरी हार्ट एंड वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड किया गया था बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस आर्टिकल से ये चीज, तीन चीजें हमें याद रखना है कि विच आर्टिकल इज रिगार्डेड एज हार्ट एंड सोल, आंसर विल बी आर्टिकल 32। किसने बोला था, बी आर अम्बेडकर ने बोला था, ठीक है। और ये क्या बात करता है कि आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, देयरफॉर जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है, ठीक, ये तीन चीज इस आर्टिकल से याद रखना है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए मैंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है आर्टिकल 32। अब रेमेडीज भी कितने प्रकार की है, टोटल 5 प्रकार की रेमेडीज होती हैं। अब कितने प्रकार की, कैसे कैसे इम्पोज की जाती जा सकती है, थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग जाते हैं, क्योंकि डिटेलिंग में आजकल जो वनडे एग्जाम्स में भी है या फिर कोई पीएससी है, थोड़ा और डिटेल में इन डेप्थ पूछने लगा है, और बीइंग ए नॉर्मल इंडियन सिटीजन भी आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा अधिकार के तहत मेरा अगर फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट किया गया, छीना गया है, तो मेरे बारे में उस मेरे अधिकार के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। सो एक नॉर्मल सिटीजन्स के अवेयरनेस के हिसाब से भी पता होना चाहिए। सो हैबियस कॉर्पस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जिसको बोला जाता है। तो व्हाट इज हैबियस कॉर्पस, अब ये हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव ए बॉडी ऑफ कॉर्प्स। अब इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, देखिए मान लीजिए आप और आपके एक दोस्त हैं, ठीक है, आपके दोस्त को किसी भी पर्सन ने, पुलिस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टेट को लेके आता हूँ, पुलिस ने क्या किया, उसको इलीगली डिटेन किया है, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दिया है, फिर भी इलीगली अनलॉफुली उस पर्सन को डिटेन कर दिया गया है, डिटेन मतलब कस्टडी में रख लिया गया है, ठीक है। तो अपने दोस्त के मित्र हैं, तो आप क्या करेंगे कि कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि मेरे फ्रेंड को इलीगली डिटेन किया गया है, ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड यू कैन गो इन द कोर्ट एंड फाइल ए रिट, और वो रिट कौन सी होगी, हैबियस कॉर्पस की रिट, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसको डिटेन नहीं किया है, वो खुद ना जाके उसके बिहाफ में कोई भी दूसरा पर्सन है। अब देखिए PIL आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसका जो इन्वेंशन है वो इसी हैबियस कॉर्पस से डिराइव्ड है,
क्योंकि PIL क्या है, PIL कोई थर्ड पर्सन भी लगा सकता है सोसाइटी के, मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो जिसको इनजस्टिस हो रहा है, जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन भी वो PIL इम्पोज कर सकता है उसके खिलाफ, उसके फेवर में. सो दैट PIL इज नथिंग बट डिराइव्ड फ्रॉम दिस ओनली. ठीक है, सो आगे चलते हैं कि इसके बारे में क्या बोलता है. ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू हैव ए बॉडी ऑफ कॉर्प्स. ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड, हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड बॉडी. मान लीजिए कोर्ट ने उस अथॉरिटी को ऑर्डर दिया कि जिसको आपने डिटेन किया गया उसको कोर्ट में पेश करिए. ठीक है, ये आर्टिकल बोलता है. इट इज द बुल वर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्री डिटेंशन. अभी बोला कि जो आर्बिट्री डिटेंशन है कौन करेगा, स्टेट ही, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है वही तो ये सब काम करेगा. ठीक है, जैसे स्टेट हो गया, स्टेट के पास पावर है, ठीक है, वो आर्बिट्री एक्शंस, आर्बिट्री जो लॉ बना के आपको डिटेन करेगा. इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्री डिटेंशन इशूड अगेंस्ट इनलीगल डिटेंशन. अभी मैंने बताया था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इनलीगल डिटेंशन, मान लीजिए कोई पर्सन इलीगल कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दिया गया फिर भी उसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है. अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक नोट इशूड वेदर डिटेंशन इज लॉफुल, ये है, और डिटेंशन इज आउटसाइड द कोर्ट, ये ठीक है. मेन ऑब्जेक्टिव ये याद रखिएगा कि हैबियस कॉर्पस क्या है. इसके पीछे, इसके बिहाइंड अगर मैं थोड़ा एक और स्टोरी अगर बताऊं, तो इसमें आप 1975 का जब नेशनल इमरजेंसी आई थी उस समय ADM जबलपुर का केस जो है, अगर भूले भटके किसी भी एग्जाम्स में आ गया, ठीक है, कि ADM जबलपुर जो केस है वो किस रिट से एसोसिएटेड है, किस रिट से लिंक्ड है, सो आंसर विल बी हेबियस कॉर्पस. क्योंकि उसको बारे में डिटेलिंग में नहीं जा रहा, वो मेंस का पार्ट है, ठीक है, प्री का पार्ट है नहीं, इसलिए मेंस के जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेंस में उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि ADM जबलपुर है क्या, HR खन्ना, जस्टिस HR खन्ना से रिलेटेड क्या इशू हुए थे उस समय इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के समय, ठीक है. सो वो उसको उस समय डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. बट एक शॉर्ट में ये याद रखिएगा कि ADM जबलपुर जो केस है वो इस हैबियस कॉर्पस से एसोसिएटेड है. ओके, अब उसके बाद दूसरा रिट है मैंडमस. अब मैंडमस का मतलब क्या है, वी कमांड, ठीक है, वी कमांड. अब इस देखिए, जो कोर्ट है वो जो पब्लिक ऑफिशियल्स है, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स मान लीजिए कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, पुलिस हो गया, फिर कोई हायर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपनी ड्यूटी ऑफिशियली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सो ये कोर्ट इशू करती है उन पब्लिक ऑफिशियल्स को कि वी मैंडमस मतलब कमांड करना कि हम आपको ये चीज बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर देते हैं कि आप अपने ड्यूटीज को फुलफिल करिए. ओके, सो कमांड इज इशूड बाय द कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी. अभी जस्ट मैंने बोला कि कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स को बोलती है कि आप अपने जो ऑफिशियल है, आप अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाइए. आप क्यों नहीं निभा रहे, निभाइए उसको. पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड टू रिफ्यूज, जो वो करने से फेल हो गया है. अगेंस्ट एनी पब्लिक, आप किसके आगे, किसके अगेंस्ट में ये मैंडमस इशू किया जा सकता है, किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है, कॉरपोरेशन, या फिर किसी कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट, ठीक. कैन नॉट बी इशूड प्राइवेट, देखिए प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक. अब ये कोर्ट अदानी या अंबानी या फिर कोई जो प्राइवेट बिजनेस कर रहा है उसको थोड़ी ना बोल सकते हैं, क्यों, वो प्राइवेट तो प्राइवेट है, अपने खुद सेल्फ एम्प्लॉयड में है, वो खुद गवर्नमेंट की जो फंडिंग है उसको थोड़ी ना ले रहा है, ठीक. तो ये जो मैंडमस है केवल पब्लिक ऑफिशियल्स को इशू किया जा सकता है, जैसे पब्लिक पुलिस हो गया, या फिर IAS हो गया, IPS हो गया, ठीक, या फिर जो लोअर जुडिशरी हो गया, ट्राइब्यूनल्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन सभी लोगों को जो कि सैलरी ले रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. याद रखिएगा कि मैंडमस इज नॉट इशूड टू द प्राइवेट इंडिविजुअल. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिट. सो हैबियस कॉर्पस एंड मैंडमस, ये याद रखिएगा कि क्या चीज है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबियस कॉर्पस, सभी रिट्स में से हैबियस कॉर्पस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स, ठीक है. सो नेक्स्ट रिट इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना, ठीक है, शब्द से ही समझ में आएगा. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना किसी भी चीज से करने से.
इसका मतलब टू फॉरबिड इशूड बाय द हायर जुडिशरी. कौन इशू करते? हायर जुडिशरी. मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसको किया, हाई कोर्ट को किया, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट को किया, या फिर हाई कोर्ट ने किसको किया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशंस होते हैं, उसको किया. ठीक है, तो इशूड बाय हाई कोर्ट, हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, और इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. ठीक है, केवल और केवल जो हायर जुडिशरी होती है वो लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी इशू करेगी जो ये जो प्रोहिबिशन का जो रिट है टू द लोअर जुडिशरी. ठीक, या फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, या फिर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव बॉडीज, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ठीक है, याद रखिएगा कि किसके लिए, केवल और केवल जुडिशियल बॉडीज के लिए ये रिट है, प्रोहिबिशन जो रिट है केवल और केवल जुडिशियल बॉडीज के लिए है, जुडिशियल या फिर ट्रिब्यूनल्स या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए, नॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लेजिस्लेटिव या फिर प्राइवेट बॉडीज. ओके, दिस इज प्रोहिबिशन. नाउ सर्सोरारी, सर्सोरारी का मतलब क्या है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, बताना. ठीक, अब देखिए, इशू किया जाता है बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, ईदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद इन द लेटर और इटसेल्फ और टू स्क्वैश. मान लीजिए क्या होता है कि देखिए, प्रोहिबिशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा, जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो उसके उसमें भी वो जजमेंट दे रहा. मान लीजिए जो डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी का जो केस है वो लोअर जुडिशरी के पास नहीं आता, उसके ज्यूरिसडिक्शन में कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा, फिर भी जो लोअर जुडिशरी है उसके ऊपर जजमेंट दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या करेगा कि उसको रोकेगा कि नहीं भाई, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ज्यूरिसप्रूडेंस में ये चीज नहीं है, आप इसको ट्रांसफर करिए. जो ट्रांसफर करिए वाला जो केस है उसको बोला जाता है सर्सोरारी. या फिर मान लीजिए कि जो लोअर जुडिशरी है उसने उसने अपने जो कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा भी कोई भी काम, तो उसमें जजमेंट दे दिया. ठीक है, तो जजमेंट दे दिया तो उसको स्क्वैश करेगी. ठीक है, स्क्वैश करने का अधिकार, उसको नल एंड वॉइड करने का अधिकार ये सर्सोरारी बताता है. ठीक है, क्या बोल रहा है? ईदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद इन द लेटर. लेटर मतलब कि जो लोअर जो कोर्ट होते हैं उसके पास अगर पेंडिंग पड़ा है तो उसको या तो ट्रांसफर करे, या फिर अगर कोई जजमेंट दे दिया गया है तो उसको स्क्वैश कर दें. ठीक, तो बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव. सो सर्सोरारी क्या है? इट इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव. ना ही केवल प्रिवेंट करता है बट क्योर भी करता है. ठीक है, कि आप क्योर मतलब इसके एक प्रकार की रेमेडी है. क्योर मतलब क्या होता है? रेमेडी, कि आपके जो कार्य क्षेत्र में नहीं है, लोअर कोर्ट के कार्य क्षेत्र में नहीं है, सो ये आप हायर कोर्ट में ट्रांसफर करिए. ओके, दिस इज द डिफरेंस. कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. ठीक है, ये चीज है. अब ये नॉट अगेंस्ट किसके नहीं है? लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं है. बट ये याद रखिए कि प्रोहिबिशन और सर्सोरारी का मतलब क्या है. प्रोहिबिशन मतलब कि केवल और केवल रोकेगा, हायर जो जुडिशरी होती है लोअर जुडिशरी के ऐसे मैटर्स को रोकेगा जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है. बट जो सर्सोरारी है, ये जो रिट है वो केवल ना केवल रोकेगा, बट जो अगर उसके पास लोअर जुडिशरी के पास कुछ चीजें फाइलें पेंडिंग है, ठीक है, या फिर उसने ऑर्डर दे दिया गया, तो उसको ट्रांसफर या फिर स्क्वैश करने, नल एंड वॉइड करने का पावर सर्सोरारी से आता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिट इज क्यूर वारंटो. क्यूर वारंटो मतलब कि बाय व्हाट अथॉरिटी. क्यूर वारंटो मतलब कि बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट. मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो इनलीगली जैसे डिटेन मतलब क्लेम कर रहा है. बहुत से फेक न्यूज आती हैं कि कोई पर्सन है नकली आईपीएस बन गया, नकली आईएएस बन गया, या फिर कोई नकली डीएसपी बन गया, एसडीएम बन गया. ठीक, तो उसके अगेंस्ट केस दर्ज होता है और फिर हमें कोर्ट पूछती है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन. किस अथॉरिटी से, किस हिसाब से आप इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, सो इशूड बाई कोर्ट टू इंक्वायर इन टू द लीगैलिटी और द क्लेम ऑफ द पर्सन टू द पब्लिक ऑफिशियल्स प्रिवेंट्स इन लीगल मिस यूज ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय द पर्सन. ठीक, सो दिस इज द क्यो वारंटो. क्यो वारंटो मतलब कि वाई व्हाट अथॉरिटी. सो दीज आर द फाइव
फंडामेंटल रेट्स जो आपको याद रखना है कि पांच कौन कौन से रेट्स थे। फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्सोरारी और पांचवा है क्यो वारंटो। इन पांचों में से मोस्ट एंड फंडामेंटल इंपॉर्टेंट इज विच वन, हैवियस कॉर्पस। हैवियस कॉर्पस क्योंकि इट इज रिगार्डेड एज द बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 33। सो आर्टिकल 33 क्या बात करता है, देखिए आर्टिकल 32 तक, यहाँ तक इंडिविजुअल की जो राइट्स थे, इंडिविजुअल को अधिकार थे, ठीक है, इंडिविजुअल को अधिकार थे, नॉर्मल इंडिविजुअल हम जैसे सिटीजन्स हो गए उनको अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, किसके द्वारा, सिटीजन्स या फिर फ्रॉम द आर्बिट्री जो एक्शंस है गवर्नमेंट लेती है उससे प्रोटेक्शन की बात किया जाता है आर्टिकल 32 तक। ठीक है, बट आर्टिकल जो 33 है ये है कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं, पुलिस पर्सनल्स होते हैं, इनके फंडामेंटल अधिकारों को रोकने की बात किया जाता है। ठीक है, इस इन जो आप देखे होंगे कि जितने भी पुलिस कर्मी लोग हैं या फिर आर्म फोर्सेस हुए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग होते हैं, ये खुले में आके कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है, इनको इनके अधिकारों को रोक दिया गया है। किस अधिकार, किस आर्टिकल के तहत रोका गया है, ये कोई और दूसरा नहीं, यही आर्टिकल 33 है। ठीक है, जैसे हम और आप या फिर कोई नॉर्मल सिटीजन है वो आके पब्लिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में बोल देता है, बात कर सकता है मीडिया में भी, बट जो ये पुलिसकर्मी हैं, आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस हैं या फिर डिफेंस के लोग हैं, वो खुले में आके गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में या फिर गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उनके जो ये राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। दैट व्हाट आर्टिकल 33 टॉक्स अबाउट। अब पढ़ते हैं कि आर्टिकल 33 क्या है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, याद रखिएगा कि आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर दिया गया, नॉट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक, नॉट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स। रिस्ट्रिक्ट, रोकना, लिमिट प्रोवाइड करना, किसके किसके फंडामेंटल राइट्स, टू द ऑफ द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस पर्सनल्स, इंटेलिजेंस एजेंसी और भी उस जैसी बॉडीज को। ठीक है, एनालॉगस फोर्सेस मतलब जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज या फिर जो इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने में, नेशनल डिग्निटी को प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं। ठीक है, द पावर टू मेक द लॉ इज ओनली विद इन द पार्लियामेंट। ये जो वर्ड है ओनली विद इन द पार्लियामेंट, ये याद रखना, क्योंकि ये बोल देगा कि किसी भी स्टेट में आ जाएगा कि आर्टिकल 33 है उसका अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी है। नहीं भैया, ये गलत होगा, इट इज ओनली विद द पार्लियामेंट, ओके, नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेटर, कैन नॉट बी चैलेंज। और ये है कि कोई भी आर्म फोर्सेस है, ठीक है, या फिर कोई भी पुलिस पर्सनल्स है, उसको जो अगर जो उनके अधिकारों को रोका गया है उसको लेके कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो चैलेंज तभी करेगी जब वो सस्पेंड हो जाएगा, वहाँ पुलिस पर्सनल से सस्पेंड हो जाएगा, एक नॉर्मल सिटीजन बन जाएगा हम और आप लोगों की तरह, तब आप उस को चैलेंज किया जा सकता है। बाकी जब वो पर्सन ड्यूटी में है तब उसके अधिकारों को रोकने की बात खुद संविधान किया गया है। अब एक आबादी, आप ये बात बताइए कि जिस गवर्नमेंट की या फिर जो नेशनल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने की बात जिस लोगों को दिया गया है, अब वही बात करने लगे स्टेट के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो फिर गवर्नमेंट को डिफेंड कौन करेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा। सो फॉर दैट आर्टिकल 33 हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, नहीं तो फिर ये वही वाली बात हो जाएगी जो 1945-46 में हुई थी, INA म्यूटिनी। ठीक है, आर्टिकल 34, मूविंग टुवर्ड्स द आर्टिकल 34, कि आर्टिकल 34 क्या है। आर्टिकल 34 सेज दैट कि प्रोवाइड्स द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन एनफोर्स। देखिए, मार्शल लॉ का मतलब क्या है, कुछ और नहीं है, पुलिस जो का किसी भी एरिया में पुलिस आके वहां पे या फिर आर्म फोर्सेस आके वहां पे कैप्चर कर लेती है, कि नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। अब इसी से हम लोग देखते हैं कि एक आफ्सपा, आर्म्ड फोर्स फुल AFS, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगता है। अब जहाँ पे ये चीज़ लगाया जाता है तो वहाँ पे जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर होता है या फिर लोगों की जो राइट्स होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सो
जो ये आर्टिकल 34 ये बात करता है कि जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा है, जिस एरिया में पुलिस लॉ लगा है, ठीक है, उस एरिया में जो नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, लोगों को खुले में आज़ादी, मतलब कि बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती, सीआरपीसी सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, ठीक है, उनको जो मूवमेंट है, फ्रीली मूवमेंट है, उसको रोक दिया जाता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह इजिली फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस विच आर बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 34, ठीक है। तो ये है मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री रूल जिस जगह पे लग जाता है, ठीक। नाउ आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 क्या है कि अब ये देखिए, आर्टिकल 35 बात करता है पार्लियामेंट के को ही केवल और केवल लॉ बनाने के लिए बात बात की गई है, कि ताकि पार्लियामेंट क्या है पूरे एंटायर कंट्री के लिए एज सच लॉ बना सके। क्यों स्टेट्स को क्यों नहीं दिया गया, एक सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज को क्यों वो पावर नहीं दिया गया। देखिए जो पार्लियामेंट है वो पूरा एंटायर की है, उसमें जो एंटायर इंडिया के जो लोकसभा राज्यसभा में जाके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, ठीक है, पूरे एंटायर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट, बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक स्पेसिफिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एमपी है विद इन द जो बाउंड्रीज है, एमपी के बाउंड्रीज है, उनके जहां तक लोग रह रहे हैं उनके हितों की बात करेगी, केरला के लोग रह रहे हैं उनके हितों की बात नहीं करेगी, या फिर केरला वाले एमपी के हितों की बात नहीं करेगी, बट पार्लियामेंट एंटायर कंट्री की बात करेंगे। देयरफॉर ये जो आर्टिकल 35 है कि आप लॉ बनाने की जो पावर है, फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों के लॉ बनाने की पावर है, वो पार्लियामेंट को दिया गया है। सो आर्टिकल 35 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। क्यों, क्यों से, इससे क्या हो जाएगी, इससे यूनिटी इन्फॉर्म हो गया, ठीक है, यूनिटी आएगी, एकता आएगी। अगर स्टेट्स को दे दिया गया तो एक ही नियम, एक ही सब्जेक्ट मैटर पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अलग नियम बनाएगी, ठीक है। मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर हो गया तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अलग नियम बनाएगी, यूपी गवर्नमेंट अलग नियम बनाएगी, केरला गवर्नमेंट अलग नियम बनाएगी। सो इट विल नॉट बी इन यूनिफॉर्मिटी। बट अगर उसी सब्जेक्ट मैटर के लिए पार्लियामेंट के लिए लॉ बनाने के लिए दे दिया गया, सो पार्लियामेंट विल मेक यूनिफॉर्म लॉ, ओके। तो ताकि यूनिफॉर्मिटी विद इन द इंडिया प्रिवेंट, मतलब हो सके, द पार्लियामेंट शेल हैव पावर टू मेक द लॉ, ठीक। अब एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल राइट्स का और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पहले हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। देखिए अब पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स आपके जो मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सारी सब चीज के आपके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। देयरफॉर इट इज द बेड रॉक, बेड रॉक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, ठीक है। लोगों को आजादी दी है, क्यों, क्योंकि राइट टू वोट है, राइट टू स्पीक है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव है, ये सभी चीज की उस पर्सन को अधिकार दिया गया है। यहाँ तक जो पर्सन अरेस्ट एंड डिटेन होता है उसको भी प्रोटेक्शन, उसको भी अपने ह्यूमन राइट्स को दिया गया है, ठीक है। इन द कंट्री बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी एंश्योर डिग्निटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथन सेक्युलर फैब्रिक, ठीक है। सेक्युलरिज्म की बात हम लोगों ने की है ना, किस आर्टिकल में, बताइए आप, आर्टिकल 25-26, ठीक है। सेक्युलर फैब्रिक, क्यों, स्टेट विल नॉट इम्पोज एनी रिलीजन किसी के ऊपर, ठीक है, ऑफ द स्टेट। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किस आर्टिकल में हम लोगों ने बात किया, किस आर्टिकल जो प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, ठीक है। जो हिस्टोरिकल अनजस्टिस है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको एबॉलिश करने की बात की है। जो दोज पीपल हु आर नॉट इक्वल, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए कौन से आर्टिकल, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। सो ये सारा सब चीज दिया गया है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक। देयरफॉर दे आर द बेड रॉक और दे आर द बेसिक एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये सिग्निफिकेंस है। बट अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इलेबोरेट पार्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा इसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी थी तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो डिबेट डिस्कशन हुआ था, इट वॉज द फंडामेंटल राइट ओनली, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ था। और
कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप अगर पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स को इतना डिटेल में मेंशन किया गया है कि बाकी अदर पार्ट्स को उतना डिटेल में नहीं किया गया है। देयरफॉर एक्सेसिव लिमिटेशंस और एक्सेसिव डिटेल दिया गया है, और लिमिटेशंस किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि पावर में है उसके रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है, तभी बोला जाता है फंडामेंटल गवर्नमेंट, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जिस गवर्नमेंट की पावर्स को रोक दिया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा। ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, 2020 या 2021 में यूपीएससी के प्री में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो द आंसर विल बी कि द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि ऐसा संविधान जो कि जो गवर्नमेंट है उसके पावर्स को लिमिट कर दे, ठीक है। एक्सेसिव लिमिटेशन, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, नो क्लियरिटी, इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं, नो परमानेंसी, सस्पेंशन हो गया ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब ये आगे बताएंगे कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल 358 और 359 के तहत कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं, अबॉलिश हो जाते हैं, ठीक। एक्सेसिव रेमेडी, रेमेडी अभी हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस आर्टिकल के तहत मेंशन है, बताइए, आर्टिकल 32, पांच रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड क्यो वारंटो, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आपने हो गया ना 20 में देखा, ठीक है। नो कंसिस्टेंसी इन फिलोसफी, सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, इसके क्या क्रिटिसिजम्स है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम लोगों ने देख लिया। सो दिस वर द, आज यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा एंड होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी देखा कि आर्टिकल जो 14 से लेके 18 तक है, वो राइट टू फ्रीडम देखा जो आर्टिकल 19 से 22 तक है, देन प्रोहिबिशन और जो चाइल्ड लेबर है और जो ट्रैफिकिंग है उससे रोकने की बात किया गया है इन आर्टिकल 23-24, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखा हम लोगों ने, देन माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी जैसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 29 एंड 30 के द्वारा। सो ये आर्टिकल्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको बाय मतलब किसी भी तरह इसको मगअप करके रखना है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और आपके अवेयरनेस के लिए, एक नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि क्या रिट्स हैं, कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, पांच प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हैबियस कॉर्पस है। फिर हम लोगों ने ये भी बोला, देखा कि आर्टिकल जो 35 है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लॉ, उसके अंदर लॉ बनाने के लिए किसको पावर दिया गया है, पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट के पास पावर है, क्यों, ताकि एक स्टेट में, सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी आ सके, कि कैसे। और हम लोगों ने ये भी देखा कि 34 और 35 में कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं या फिर आर्म फोर्सेस होते हैं उनके जो राइट्स हैं रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है। सो ये हम लोगों ने कल और आज वाइडली डिटेल में एक्सप्लेन किया, देखा कि फंडामेंटल राइट्स का महत्व देखा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 4 देखेंगे जो कि बात करता है डीपीएसपी, और वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।